नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज में तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। आईटीबीपी जवान ने शादीशुदा महिला से की गंदी हरकत। विशाखापट्टनम से छुट्टी पर घर आया था, महिला को अकेला देखकर उसके घर में ही घुस गया। गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के धमतरी में छेड़छाड़ के आरोपी जवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी जवान ने एक शादीशुदा महिला से उसके घर में घुसकर गंदी हरकत की थी। इसके बाद जब महिला चिल्लाने लगी तो वो भाग निकला था, मगर अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामला करेली बड़ी चौकी क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस का जवान डोगार सिंह जांगड़े 30 वर्ष विशाखापट्टनम में पदस्थ है। कुछ दिन पहले छुट्टी होने पर वो अपने घर करेली बड़ी आया हुआ था। इसी दौरान उसने 12 फरवरी को महिला से घर में छेड़छाड़ की थी। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि 12 फरवरी को सुबह 11 बजे वो घर पर अपने बच्चों के साथ थी। बच्चे बाहर खेल रहे थे, घर के बाकी लोग काम से बाहर गए हुए थे। उसी वक्त डोगार सिंह उसके घर में घुस गया और उससे छेड़छाड़ करने लगा। महिला ने बताया कि बार बार जब उसने जवान को मना किया तो भी वह नहीं माना, वो बार बार जबरदस्ती करने लगा। इस पर महिला ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, जिसके बाद जवान मौके से फरार हो गया। बताया गया कि घटना के बाद महिला ने इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी थी, जिसके बाद परिजनों ने रविवार को पुलिस से इस बात की शिकायत की और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी जवान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।